मिर्ची बॉलीवुड। सर पे डस्टबिन, हाथों में वायलिन और गाने बज रहे हैं, थोड़ा सा थिरक रहे हैं कदम सिकंदर के, क्या हो रहा है आज? इट्स अ गुड चेंज ना। सिकंदर को ऐसा किसी ने देखा नहीं है। एक्चुअली सिकंदर होता था ऐसा जब वो 25 साल का था, तो इतनी एनर्जी, इतना खुश मिजाज और मस्ती करने वाला लड़का, और कुल्फी को मनाने के लिए वो ये सब करता है। कुल्फी एक्चुअली, कुल्फी कुछ हो जाता है ऐसा घर में, कुल्फी को एक रूम में बंद कर दिया जाता है, बिकॉज लवली का कोई प्लान होता है मायरा के लिए, और वो किसी प्रोड्यूसर को बुलाती है, उसको गाना सुनाती है, एंड बिकॉज की लव कुल्फी कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, तो उसको दरवाजे में बंद कर दिया जाता है रूम में। तो व्हेन आई कम बैक होम, तो मैं वो दरवाज़ा खोलता हूँ, क्योंकि मुझे आवाज़ आती है और वो पानी वानी कुछ फेंकती है अंदर से, तो मैं देख के दरवाज़ा खोलता हूँ, एंड कुल्फी हग्स मी एंड टाइटली, एंड उसके बाद उसको मैं चुप कर आता हूँ। तो ये उसको मनाने के लिए एक छोटा सा हम जिग, आई विल कॉल इट यू नो, कि हम जिग करते हैं, मैं करता हूँ कि मैं क्योंकि वो शांत नहीं हो रही, वो रोई जा रही है, रोई जा रही है, तो मैं किचन से जाके यू नो, मैं डस्टबिन लेके आता हूँ, एक वो क्या कहते हैं उसको, मॉप लेके आता हूँ, या मॉप, सॉरी मॉप लेके आता हूँ, एंड फिर यू नो, और दो तीन चीज़ें हैं, एक मैजिक मैजिशियन का हैट है, एक जोकर का कुछ सामान है, तो ही बेसिकली डज अ जिग, और फिर पपेट्स हैं, देन आई डू पपेट एक्ट ऑल्सो, वो भी मैंने किया, प्लीज़ देखना, मैंने बहुत अच्छा हुआ है इनफैक्ट, वो मैंने कभी नहीं किया लेकिन पहली बार किया, तो मुझे बहुत मज़ा आया, हालांकि थोड़ा थकान होगी, बिकॉज इट वॉज टू टायरिंग फॉर मी, सो बट इट वॉज फन, बहुत मज़ा आया इतने दिनों बाद ऐसा करके, और बेसिक पर्पज वॉज तो कि कुल्फी को खुश करना था, कुल्फी खुश हो जाती है एंड में। सो वही एक गेस्चर है बाप की तरफ से बेटी के लिए, तो जो मेहनत थी वो रंग लाई आपकी। हाँ, और एक्चुअली बाप और बेटी के लिए गेस्चर है, जो कि हम दोनों को ही नहीं पता है कि हम दोनों में रिलेशन क्या है, बट इट्स अ नाइस बॉन्ड विच इज़ डेवलपिंग ऑन इट्स ओन, और अनजाने हैं दोनों, दोनों को पता ही नहीं है कि रिलेशन क्या है, एंड या एंड में वो खुश हो जाती है, पहले नहीं होती है लेकिन बाद में हो जाती है, बहुत चीज़ें करता हूँ मैं, पहले उसको मैं कुछ ट्रम्पेट से कुछ सुनाता हूँ, फिर मैं उसको फ्लावर देता हूँ, फिर मैं मैजिक एक्ट करता हूँ, फिर मैं पपेट एक्ट करता हूँ, तो एंड में वो खुश हो जाती है, एंड शी, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है उसके बाद। ओके, लास्टली सीन में लवली और हमारा भी है, उनका क्या रिएक्शन था? लवली ऑल्सो स्टार्ट्स लाफिंग इन द एंड, and Amira also starts laughing in the end, so everybody starts laughing, and तो वही है कि कुल्फी के आने से you know, एक चीज़ है कि कुल्फी के आने से मेरी जो present life है वो बेहतर हो रही है कहीं ना कहीं, तो you know, we all are laughing, उसके आंसू पोंछते पोंछते हम कहीं ना कहीं हंसना सीख रहे हैं, तो that's what is happening. यही कड़ी सारी जुड़ जुड़ के शायद आगे का सारे जो भी है, सॉरी, ये सारी जो कड़ियाँ हैं जो जैसे आपने कहा कि वो आई है थोड़ी आपकी प्रेजेंट लाइफ धीरे धीरे करके सुधर रही है, तो शायद यही है जो आगे जाके जो भी रिलेशन है आप लोगों का वो शायद, आई एम श्योर, बिकॉज अब वो कुल्फी का आने का पर्पस क्या है, और वो ऑब्वियसली मतलब देर इज सम स्ट्रेंज कनेक्ट विद सिकंदर फील्स टूवर्ड्स हर, वो एक स्ट्रेंज सी चीज़ फील करता है, और उसको फील भी होता है जब व्हेनेवर ही हग्स हर, और व्हेनेवर ही सीज हिम जो भी सरदार के गेटअप में, तो उसको कुछ फील होता है, देयर इज सम कनेक्ट विद हर, तो यू नो, एंड अनजाने में वो चीज़ें हो रही हैं, अनजाने में इसकी लाइफ थोड़ी सी बेहतर हो रही है उसके आने से, एंड विच ही विल रियलाइज लेटर ऑन कि यू नो दिस इज़ हैपनिंग, एंड गाना गा रही है वो घर के अंदर, वो पाइप में जाके गाना गाती है, उसको सुनाई दे रहा है लेकिन उसको पता नहीं है आवाज़ किसकी है, सो इट्स ब्यूटीफुल इन इटसेल्फ कि यू नो, कि एक अनजाने माँ बाप फादर डॉटर हैं जो एक दूसरे के बारे में पता नहीं है, और कैसे वो एक दूसरे की लाइफ में हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की, इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।